हेलो दोस्तों, आप सभी का ममता स्टिचिंग ट्यूटोरियल में स्वागत है। दोस्तों देखिए, ये वाला जो स्वेटर मैंने आपको राउंड नेक बताया था, ये देखिए इस तरीके से ये तैयार होने के बाद आता है। वही सेम चीज़ जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ जो मैंने घटाया था 6 4 3 2 1 6 4 3 2 1 बैक में, वही चीज़ जो मैंने आपको यहाँ आगे भी दिखाया था कि ये गला घटाने के बाद 2 इंच सॉरी आस्तीन घटाने के बाद 2 इंच बिनने के बाद वही चीज़ 6 4 3 2 1 इधर 6 4 2 3 1 करके, और ये इतनी लंबाई ऐसे ये मैंने यहाँ से यहाँ तक की कर ली है सीधी बिनाई। जो 28 फंदे बच गए उसको इस तरीके से बिनने के बाद ये देखिए ये जेंट्स का राउंड नेक है। अब इसको मैं डबल बॉर्डर बनाऊंगी। राउंड नेक बनाने के लिए गले वाली सिलाई चाहिए, तो जो देखिए ये गले वाली सिलाई है मेरे पास, मैं इससे फंदे उठाऊंगी। आप चाहे तो सर्कुलर नीडल से भी उठा सकती हैं, वो भी मेरे पास है 10 नंबर की ही है, लेकिन मैं इसी से बनाऊंगी। मेरे यहाँ सिर्फ 10 नंबर की ही सिलाई जो मैं जहाँ से ऊन लेती हूँ वहाँ पर मिलती है, और बाकी यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, तो मैं और नहीं ले पाती हूँ। या बहुत लोग मुझसे पूछती हैं कि आप कहाँ से लेती हैं, तो आप ऑनलाइन सर्च कर सकती हैं। मैंने अभी ऑनलाइन कभी सिलाइयाँ मंगवाई नहीं है, अगर मैं कभी मंगाऊंगी तो आपको ज़रूर बताऊंगी। तो ये देखिए ये मैंने बना लिया है, और ये शोल्डर जोड़ लिया है। जोड़ने के बाद जो इधर वाला ऊन था यहाँ से उतरा है, ये जो ऊन था इसको मैंने कट नहीं किया है, इधर का जो इस साइड चला गया था इसको मैंने कट कर दिया है। अब इसी ऊन से मैं फंदे उठाऊंगी। तो ये जेंट्स का है, मैं डबल बॉर्डर बनाऊंगी, क्योंकि डबल बॉर्डर बनाने से गले में आसानी से ये जाता है, और अगर मैं सिंगल बनाती हूँ और उसको अच्छे से नहीं उतार पाती हूँ तो फिर ये टाइट हो जाएगा और जेंट्स के गले में सिर में अच्छे से जाएगा नहीं। तो ये देखिए ये इसमें अच्छा खासा ये जगह है, आप चाहें तो सिंगल बना सकती हैं, मुझे डबल अच्छा लगता है, डबल की फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है। तो अब यहाँ से ये जो मैंने फंदे उतारे हैं इसमें मैं फंदे नहीं उठाती। ये देखिए जो फंदे मैंने उतारे हैं, ये जो केबल जैसा बन जाता है इसके जस्ट बाद में जो ये बिनाई आती है यहाँ से मैं फंदे उठाऊँगी। ये देखिए ये जो चोटी आती है यहाँ से, इस तरीके से आप फंदे उठा लीजिए। तो अब मैं ये फंदे उठा के आपको दिखाती हूँ कि कितने फंदे मैंने उठाए हैं, फिर हम इसकी बिनाई करेंगे। एक चीज़ और, ये जो ऊन है इसको इसी तरह से फंसाती भी जाइए, या आप चाहें तो बाद में जब आप इसकी सिलाई करेंगी तब आप इसको फंसा लीजिएगा, नहीं तो देखिए ये जो ऊन जिससे हम फंदे उठा रहे हैं इसको ऐसे रखिए, ये जो मेरा टुकड़ा है इसके ऊपर रखिए और इस तरीके से यहाँ। अब ये एक सिलाई से हम आगे के आधे पार्ट तक फंदे उठाएँगे, फिर दूसरे से आधे से यहाँ तक, और तीसरे से पूरा बैक तक। तो मैं पूरे फंदे उठा लेती हूँ फिर आपको बताती हूँ कि मेरे टोटल कितने फंदे हुए हैं। तो ये देखिए इस तरीके से हम फंदे उठा लेते हैं। ये देखिए ये मैंने यहाँ शोल्डर के जोड़ से और यहाँ हाफ तक, जहाँ से मैंने आधा गला घटाना शुरू किया था यहाँ तक मेरे टोटल ये 50 फंदे उठे हैं। ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल घने घने हैं, मैंने कोई गैपिंग नहीं की है। यहाँ पे मैंने जितने फंदे घटाए थे वो उतने फंदे, और ये जितनी सीधी बिनाई थी उतने फंदे। तो यहाँ पे मैंने 50 फंदे उठा लिए हैं। अब इतने ही फंदे मैं दूसरे वाले पे उठाऊँगी। तो ये देखिए यहाँ से ये हाफ हो चुका है, तो अब मैं यहाँ से ये इस तरीके से ऐसे इस तरीके से अब ये करके, फिर ये आप जितने फंदे आपने यहाँ घटाए जैसे 6 4 3 2 1, तो यहाँ पे 10 फंदे उठेंगे और बाकी आपके जो सीधे में उठे हैं। तो इस तरीके से अब मैं यहाँ पे भी ये फंदे उठा लूँगी। फंदे बहुत आराम से उठाइए, कोई एक्स्ट्रा फंदे उठाने की ज़रूरत नहीं है। जो ये चोटी जैसी दिखती जाती है उसी में आप इस तरीके से ऐसे सिलाई करिए और फंदे उठाते जाइए। इस तरीके से देखिए देखिए कोई गैपिंग नहीं, कुछ नहीं, जब ये बिनने लगता है तो ये अपने आप अच्छे से एडजस्ट हो जाता है। तो देखिए यहाँ 50 फंदे हैं, आराम से उठे हैं, सिलाई में गैपिंग भी है, इसी तरह से 50 मैं यहाँ भी उठा लेती हूँ। ये देखिए ये जो मैंने घटाया था 6 4 3 2 1 यानी 16 फंदे, 6 फंदे ये, 10 फंदे ये, 16 फंदे यहाँ पे उठ गए, और बाकी फंदे हमारे यहाँ पे, क्योंकि अब ये घटने के बाद ये सीधी बिनाई है तो यहाँ पे सारे फंदे मैं उठाऊँगी।
तो जितने फंदे हमने यहाँ घटाए रहते उसको भी हम उठाते हैं यहाँ पे, और जो घटाए उसके जस्ट नीचे अगर आप बहुत ध्यान से देखिए तो केबल दिखता है, उसी केबल में आप ऐसे ऐसे डालती जाइए सिलाइयाँ और अपने फंदे उठा लीजिए। ये देखिए, ये मैंने फंदे उठा लिए, इधर भी इधर भी। अब ये बैक साइड का, अब बैक साइड का पूरा इस शोल्डर से इस शोल्डर तक एक सिलाई पे, तो इसको भी अब मैं उठा लेती हूँ। फिर उतने ही फंदे जितने इधर हैं उतने इधर हैं, और अब यहाँ उठा के मैं आपको बताती हूँ कि मैंने कितने फंदे टोटल उठाए हैं। ये देखिए बच्चों, में नॉर्मली मैं 120 फंदे उठाती हूँ, 40 40 इधर और 40 इधर, और इसमें मैंने 50 50 उठाए हैं। अब पीछे भी उठा के मैं आपको बताती हूँ कि कितने फंदे उठे हैं। ये देखिए नॉर्मली जितना, जैसे जैसे ये बिना है, जैसे ये घटा है, उस हिसाब से हम इसके फंदे उठा लेते हैं। तो इसी तरीके से ये फंदे मैं उठा लेती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। देखिए ये देखिए, ये मैंने 38 फंदे पीछे उठाए हैं, 19 हाफ और 19 हाफ में, यानी 38 फंदे। तो ये यहाँ पे आप देखिए 50 50 दोनों साइड में, इधर और इधर, और बैक में 38 फंदे। अब इसको नॉर्मली आप बिन लीजिए, मेरे सारे इक्वल फंदे हैं। इक्वल फंदे मीन्स कि अगर मैं स्टार्टिंग इस सिलाई में सीधे से करूँगी तो लास्ट फंदा उल्टा आएगा, फिर यहाँ सीधे से करूँगी तो लास्ट फंदा उल्टा आएगा, और फिर यहाँ सीधे से करूँगी तो लास्ट फंदा उल्टा आएगा। और अगर आपका इक्वल नहीं भी है तो बैक साइड में या किसी बीच में भी इतने फंदे ज़रूर होने चाहिए कि जब हम यहाँ से ये पहला फंदा शुरुआत करते हैं इस तरीके से ऐसे, तो ये जो सीधा फंदा हमारा बिन रहा है तो लास्ट फंदा हमारा उल्टा आना चाहिए, क्योंकि राउंड नेक जब हम राउंड राउंड बनाते जाते हैं तो एक एक सीधा एक उल्टा का हम बॉर्डर बना रहे हैं, तो मेरा बॉर्डर अच्छे से आना चाहिए। तो ये देखिए, जब हम ये सीधे फंदे को बिन रहे हैं तो लास्ट फंदा यहाँ मेरा उल्टा आना चाहिए। तो आप अपना फंदा दोनों सिलाई बिनने के बाद लास्ट वाले फंदे पे आप अपना काउंट करके देख लीजिए कि आपका फंदा सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर आपका फंदा यहाँ पे भी सीधा आ रहा है तो या तो आप बीच में एक फंदा घटा दीजिए और या कहीं एक बीच में बढ़ा लीजिए, तो आपका ये फंदा बराबर हो जाएगा। अब इसको हम नॉर्मल जैसे बॉर्डर बिनते हैं इस तरीके से हम बॉर्डर सीधा उल्टा बिन लेंगे। बिनने के बाद इसको हम पलट के सिलते हैं, तो मैं आपको ये दिखाती हूँ। इस तरह से मैं ये बिन रही हूँ, बिनने के बाद तैयार जब मेरा ये गला हो जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कितने इंच बॉर्डर बिने हैं, इंची टेप से मैं दिखा दूंगी। और अगर सिलाई से मैं कहूँ तो मैं 20 से 24 सिलाई बॉर्डर बनाऊंगी। ये ऊन पे भी डिपेंड करता है, अगर कभी कभी आपका ऊन थोड़ा मोटा होता है तो आपका 20 सिलाई में क्लियर हो जाता है, और अगर पतला होता है तो आपको 24 सिलाई लगभग बनानी चाहिए। बहुत चौड़ा भी ना रहे, बहुत पतला भी ना रहे। मैं सिंगल गला नहीं बना रही हूँ, मैं डबल गला बना रही हूँ, तो मैं डबल गले का आपको मेजरमेंट बता रही हूँ। तो ये तैयार होने के बाद मैं आपको इंची टेप से दिखा देती हूँ कि ये कितने इंच का मैंने बॉर्डर बनाया है, और लास्ट में फंदे उतार के इसको कैसे सिलते हैं वो भी मैं आपको बता दूँगी। तो पहले मैं ये इतने बॉर्डर बना लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने शुरुआत कर दिया है। ये देखिए, ये मैंने टोटल 24 सिलाई की बिनाई की है, ये गोल गोल बनाते हुए मैंने 24 सिलाई इसको। और ये देखिए, अगर इंची टेप से तो ये लगभग ये इतना 2 पॉइंट कम है, ये 3 इंच में इतना मैंने इसको यहाँ से कर लिया है। ये देखिए मेरी जो ये बिनाई है यहाँ से उठाने के बाद, ये देखिए इस तरह से, और अगर यहाँ से आप देखिए तो इस तरह से 2.5 इंच है, क्योंकि यहाँ से ये फंदा उठ के अंदर गया है। यहाँ पे अगर मैं इसको रख रही हूँ तो ये देखिए उतना ही है, 2 पॉइंट, ये 2 पॉइंट कम है 3 इंच में। अब इसको यहाँ से मैंने शुरू किया था बिनना, ये जो इस वाले शोल्डर से, और ये देखिए यहाँ पर मैंने ये पिन लगा दिया था यहाँ से, ताकि मुझे याद रहे कि मैंने कहाँ से स्टार्ट किया है। और अब इसको हम ढीला ढीला घटा लेंगे, इसको सीधा बस दो दो फंदे इस तरह से करते हुए ऐसे, फिर इसको इस पर चढ़ाइए और ये दो फंदा पीछे की तरफ से इस तरह से, क्योंकि इसको हमें अंदर सिलना है तो इसको कोई ज़रूरत नहीं है कि आप मतलब जैसे हम लोग नॉर्मली एक फंदा बीन के फिर उसके ऊपर से उतारते हैं वो करें। तो इसको हम दो दो फंदे एक साथ लेके इस तरीके से ढीला ढीला, और अगर आपसे ढीला नहीं उतरता है तो अगर आप ये 10 नंबर से बीन रही हैं तो आप मोटी सिलाई ले लीजिए 9 नंबर या 8 नंबर, उससे जो एक घटाने वाला जिससे हम घटाएँगे उससे फिर आप ये घटाइए, तो ये ढीला ढीला ऐसे उतर जाएगा।
ये लूज रहना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसको फिर पलट के हमें अंदर की तरफ सिलाई करनी है। और अगर ये टाइट हो जाएगा तो फिर हमारा जो ये स्वेटर का गला है वो टाइट हो जाएगा। यहाँ पे जब हम जोड़ेंगे तो वो टाइट हो जाएगा, तो फिर हमको जिसको भी पहनना होगा उसके सिर में जाने में दिक्कत आएगी। तो इसके लिए आपको ये थोड़ा सा ढीला, देखिए आराम से ये फंदा जितना भी मेरा ये बड़ा ऐसे आ रहा है, मैं इसको बहुत टाइट नहीं कर रही हूँ, बस नॉर्मल ऐसे उतारती जा रही हूँ। ज़्यादा ढीला हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि फिर हमको इसको सिल देना है। इसी तरीके से हम टोटल पूरा तीनों सिलाई पर का फंदा, जो मेरा फ्रंट में दोनों सिलाई पे 50-50 हैं और बैक में 38 फंदे हैं, इस तरीके से देखिए, ये देखिए आप, ये लूज आ रहा है। तो इसको पहले मैं पूरा उतार लेती हूँ। ये देखिए, ये मेरा लगभग पूरा हो गया है। इसको मैंने इस तरह से ढीला ढीला घटा लिया है और इसको अब मैं लास्ट तक इसी तरह से, और ये पूरा घटाने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से दिखता है। देखिए आराम से, कोई फंदा मैं खींच नहीं रही हूँ, और ये ढीला ढीला इस तरीके से ये करने के बाद, ये देखिए इसको खींच लेंगे और ये मेरा जो गोला है इसमें से मैं निकाल दूँगी। ये देखिए कितना लूज है, एकदम मैंने बहुत ढीला ढीला इसको उतारा है। और अब ये पिन मैं निकाल दूँगी, या आप अभी निशानी के लिए रहने दीजिए। और इसमें से अब थोड़ा बड़ा सा ऊन मैं कट कर दूँगी और इसके बाद हम इसकी सिलाई कर लेंगे। स्वेटर सिलने वाली सुई से ही सिलना चाहिए, क्योंकि इसका ये जो पॉइंट होता है ये थोड़ा मोटा होता है, तो ये ऊन को भी ज़्यादा नहीं फंसाता और अच्छे से ये सिलाई हो जाती है। अब देखिए इसको मैंने उल्टे तरफ कर लिया है, ये देखिए इस तरीके से ये मैंने उल्टा साइड कर लिया है। और अब ये यहाँ से देखिए, ये लास्ट ये जो सीधा आ रहा है, क्योंकि जब हम राउंड नेक चार सिलाई से बनाते हैं तो एक साइड हमारा ये ऐसे थोड़ा सा ऊंचा हो ही जाता है। तो आप चाहें तो इसको यहाँ फंसा दीजिए इस तरीके से, ताकि ये बराबर हो जाए ऐसे, या आप उस तरह से भी सिल सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पीछे सिलना है। तो अब ये देखिए, यहाँ से जब हम सिलाई स्टार्ट करेंगे, ये जो मेरा सीधा भाग आ रहा है इसको लेके हम इस तरीके से यहाँ सीधा फंसा लेंगे, और ये जो हम लोगों ने केबल उतारे हैं वहाँ से लिए हुए, और ये ऐसे हम इसकी सिलाई कर लेंगे इस तरीके से। अब यहाँ फंसा लिया, अब थोड़ी थोड़ी दूर पे आप ऐसे ही ये सीधा वाला पार्ट पकड़िए, ऐसे इसको इसके ऊपर रखिए इस तरीके से, और इन दोनों को ऐसे दोनों अंगूठे से और फर्स्ट फिंगर से आप इस तरह से फंसाई रखिए, और इधर का केबल और ये केबल देखिए इस तरह से हम इसको सिल देंगे। ये जो ऊन मैंने आपको फंसाते हुए दिखाया था इसलिए मैंने छोड़ दिया, कि अगर आप इसको नहीं कर पाती हैं तो ये आप इधर अंदर की तरफ ऐसे कर दीजिए और इसी के संग इसको भी ऐसे सिल दीजिए। तो ये केबल देखिए ऐसे, और इसको खींचना नहीं है, इसको लूज ही छोड़ देना है, क्योंकि अगर हम इसको भी खींच देंगे तो फिर वही बात हो जाएगी कि अगर हम गला टाइट टाइट उतारे हैं तो। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही हल्का सा मैंने छोड़ दिया है, एकदम यहाँ से ये केबल पकड़िए ये, और इसको देखिए हाथ से आराम से, पूरा एक साथ मत खींचिए, आराम से खींचते हुए बस ऐसे, तो ये ऐसे हमारा जब पहनने में लूज ही रहेगा। तो इसी तरीके से थोड़ी थोड़ी दूर पर ये सीधा वाला पोर्सन, ये देखिए ये सीधा आप देख लीजिए ऐसे, जब इस तरह से हम रखेंगे तो ये देखिए ये लूज रहता है। तो इसको इस तरह से अपने अंगूठे से और पहली उंगली से थोड़ा सा ऐसे फैला लीजिए, और जितना आराम से, ज़रूरी नहीं कि ये हर केबल पकड़ा जाए, ये आप हर केबल पकड़ सकती हैं सिलाई करते समय, ऊपर वाला आप एक एक गैप भी कर सकती हैं। तो इस तरीके से हम इसकी सिलाई भी राउंड में पूरा कर लेते हैं। देखिए डबल नेक मतलब इसका बॉर्डर बनाना,
बहुत ही इजी है। बस आपको बिनते समय ध्यान देना होगा कि आपका हाथ टाइट न चले उतारते समय। फंदा उठाना इजी होता है, बिनना भी इजी होता है, लेकिन जब हम गले का फंदा बंद करते हैं तो उसको आपको थोड़ा ढीला ही रखना होगा, नहीं तो फिर ये गला टाइट होगा पहनते टाइम। तो इसी तरीके से पहले मैं इसको पूरा सिल लेती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि ये गला कैसे बन के आता है। मैंने छोटे बच्चों के स्वेटर में कई बार ये गला बताया है, ये मैं जेंट्स स्वेटर में बता रही हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से अब हम इसको सिल लेंगे। जहाँ पे हमने फंदे घटाए हैं वहाँ केबल नहीं आ रहा है, तो भी ये जो हमने फंदे उठाए हैं उसको लेके हम इस तरीके से फंसा देंगे। देखिए इसी तरीके से अब हम इसको पूरा सिल लेते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल मैं यहाँ तक आ गई हूँ। अब यहाँ का इसको आप अच्छे से ऐसे फंसा दीजिए इस तरीके से, फंसा के जिस तरह से हम लोग सिलाई करते हैं इसको ऐसे निकाल के और इसी में अंदर ऐसे दूर तक डालते हुए निकाल के और हम इसकी कटिंग कर देंगे ऐसे। इसको खींच दीजिए तो ये ऊन अंदर चला जाएगा। पिन हम निकाल देंगे और अब देखिए ये जो मेरा गला है बनके इस तरीके से एकदम राउंड ये आता है देखिए। और ये पहनने में बहुत आरामदेह है, आराम से ये गले में चला जाएगा। तो आप चाहें तो सिंगल गला बना सकती हैं, लेकिन ये गला मुझे अच्छा लगता है। डबल गला में फिनिशिंग भी बहुत अच्छी आती है, देखने में भी बहुत अच्छा लगता है और पहनने के बाद इसका शेप बहुत अच्छे से आता है। और सिंगल गला बनाने में कभी कभी ये रहता है कि कहीं बहुत टाइट ना हो जाए, बहुत लूज ना हो जाए, तो मुझे बच्चे का बनाना हो या बड़े का बनाना हो तो मैं इसी तरीके से डबल ही इसको बनाती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये राउंड नेक आया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा, आपको पसंद भी आया होगा। अगर आपको ये पसंद आया तो आप इसको लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और मेरे चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर करिए। मैं आगे भी आपको अलग नेक बताने की कोशिश करूँगी। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।